कांगड़ा के नगरोटा बगवा में सीएम जयराम ठाकुर ने प्रगतिशील हिमाचल कार्यक्रम में शिरकत की, जहां पर लोगों ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। उन्होंने भी नगरोटा के वासियों को 335 करोड़ की विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है आपको हम कुछ ही देर में सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। सीएम जयराम ठाकुर का स्वागत किया गया पगड़ी पहनाकर, ये देखिए त्रिशूल यहाँ पर दिया गया, स्थानीय नेता वहां पर मौजूद है, बीजेपी के भव्य स्वागत हुआ। अगर आज मैं आपके विधानसभा क्षेत्र में आया हूं तो आपके विधानसभा क्षेत्र में 40 शिलापट्टिकाएं उद्घाटन की लगी हैं और उसके बाद 40 शिलापट्टिकाओं के साथ साथ में यहां पर 15 शिलापट्टिकाएं जो है शिलान्यास की लगी हुई हैं। कुल मिलाकर उद्घाटन और शिलान्यास जो है 55 उद्घाटन और शिलान्यास आपके विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम के तुरंत बाद हम करने जा रहे हैं और जिस पर राशि 335 करोड़ रुपए खर्च करने हम जा रहे हैं, ये मैं आपके लिए बधाई भी देता हूं। जिससे चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, आएंगे तो उस दिन भी हम, उसके बाद भी आएंगे, लेकिन उस वक्त हम उद्घाटन और शिलान्यास की रस्म नहीं कर सकते व्यवस्था के अनुरूप। लेकिन जब तक आचार संहिता नहीं लगती है तो उस वक्त तक कोई ताकत नहीं रोक सकती है। मैं क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप मैं कर रहा हूं, इस पर किसी बात को लेकर के कांग्रेस को परेशान नहीं होना चाहिए। उनकी सोच क्या बनती जाती है, आखिरकार उनकी स्थिति ऐसी बनती जा रही है, वो हताश होकर के बैठ गए हैं, निराश होकर के बैठ गए हैं। देश में कोई भविष्य उस पार्टी का रहा नहीं और हिमाचल प्रदेश में भी कोई भविष्य नहीं उनका दिख रहा है। ठीक था भाई पवन कागज जी ने, जहां कुछ बचा ही नहीं वहां रहना किस बात की। देख रहा था महंगाई पर दिल्ली में रैली की तीन दिन पहले, दो दिन पहले, और उस रैली में उनके नेता प्रदेश के जो राष्ट्रीय देश के जो अध्यक्ष हैं उस पार्टी के, वो मंच पर संबोधित करने के लिए खड़े हो गए और संबोधित करते करते आटा भी लीटर के हिसाब से आपको दे रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई और हो नहीं सकता है। जिन्होंने आटा खरीदा ही नहीं, वो लीटर में मिलता है या किलो में मिलता है मालूम नहीं हो सकती है, बेचारे उनको कहां खड़ा कर देते हैं ऐसी जगह, ऐसी परिस्थिति में, ऐसे हालात। परिवार के नाम से चलती है पार्टी। अटल बिहारी वाजपेयी जी को 40,000 में से 20,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़के अटल जी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से शुरू और पूरी हो गई। हमारे साथी आज प्रश्न खड़ा करते हैं जो लंबे समय तक सत्ता में रहे, अगर उनकी अगर हम बात कहते हैं हिमाचल प्रदेश में और हमारे से पहले और आज के इस कार्यकाल में, इस 5 वर्ष के कार्यकाल में, मैं कह सकता हूं दावे के साथ अगर विकास की अगर हम बात करें तो हमारे हर क्षेत्र में विकास करने में हम उनसे ज्यादा विकास करने में हम सफल हुए। वो 4 लाख लोगों को पेंशन देते थे, हम 7.5 लाख लोगों को पेंशन।